हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्यू लर्निंग एंड सारसा। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको दोनों का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट मेन डिफरेंस दोनों में क्या है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्यू लर्निंग का जो क्यू है ये रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी को। जैसे एजेंट स्टेट एस पे है, उसने एक्शन ए परफॉर्म किया, वो एस डैश स्टेट पे आ गया। एस डैश स्टेट पे मल्टीपल एक्शंस में से कौन सा एक्शन उसे सिलेक्ट करना है जिसकी क्वालिटी हाई होगी, यानी जिसकी क्यू वैल्यू क्यू टेबल में हाईएस्ट होगी। यहाँ पर ये एक्शन परफॉर्म करने पे 3 वैल्यू मिल रही है, ये वाला एक्शन परफॉर्म करने पे उसे 2 वैल्यू मिल रही है, और ये वाला एक्शन परफॉर्म करने पे 1 वैल्यू मिल रही है। तो वो कौन सा एक्शन सिलेक्ट करेगा नेक्स्ट स्टेट पे? 3 पे, क्योंकि इसकी क्वालिटी हाई है एज कम्पेयर टू अदर टू क्यू वैल्यूज। क्यू लर्निंग क्या है? इट इज़ एन ऑफ पॉलिसी री इन्फोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम। ये एक ऑफ पॉलिसी री इन्फोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम है। करेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेट पे एक्शन नहीं लिया जाता है, वो वाला एक्शन नेक्स्ट स्टेट पे परफॉर्म किया जाता है जिसकी क्यू वैल्यू मैक्सिमम होती है। जबकि जो सारसा है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन, ये एक ऑन पॉलिसी री इन्फोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम है। ऑन पॉलिसी मतलब कि यहाँ पर जो करेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एस स्टेट पे एक्शन परफॉर्म किया गया है, उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एस डैश स्टेट पे भी एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। पहले से स्टोर क्यू वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू को नहीं देख के एजेंट जो है करेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेगा नेक्स्ट स्टेट पे। क्यू लर्निंग में अपडेट इक्वेशन फॉर क्यू वैल्यू क्या होती है? क्यू एस टी कॉमा ए टी, ये वाली वैल्यू कौन सी होती है? क्यू की न्यू वैल्यू, जो अपडेट करनी है हमें क्यू वैल्यू, इक्वल्स टू होता है क्यू एस टी ए टी, ये कौन सी होती है? ओल्ड वाली वैल्यू, प्लस अल्फा इज लर्निंग रेट, प्लस आर टी प्लस वन इज इमीजिएट रिवॉर्ड, गामा इज डिस्काउंट फैक्टर, मैक्स ऑफ ए क्यू एस टी प्लस वन कॉमा ए माइनस क्यू एस टी कॉमा ए टी, ये भी ओल्ड वाली क्यू एस टी कॉमा ए टी है। और ये वाली वैल्यू कौन सी है? नेक्स्ट स्टेट पे वो वाला एक्शन परफॉर्म किया जाएगा जिसकी क्यू वैल्यू क्या होगी? क्यू टेबल में मैक्सिमम। अपडेट इक्वेशन फॉर क्यू वैल्यू सारसा में क्या होती है? क्यू एस टी ए टी, पूरा सब कुछ सेम होता है, बस मैक्स ऑपरेशन नहीं यूज होता है। तो क्यू एस टी कॉमा ए टी इज इक्वल्स टू क्यू एस टी कॉमा ए टी प्लस अल्फा आर टी प्लस वन प्लस गामा क्यू एस टी प्लस वन कॉमा ए टी प्लस वन। ओके, यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो करेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं ली जाती है क्यू टेबल से, माइनस क्यू एस टी कॉमा ए टी। क्यू लर्निंग डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट पॉलिसी इज बीइंग फॉलोड, इंस्टेड इट यूजेस द बेस्ट और मैक्सिमम क्यू वैल्यू। तो करेंट किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एजेंट ने एक्शन परफॉर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग एजेंट नेक्स्ट स्टेट पे एक्शन नहीं परफॉर्म करता है, बल्कि वो क्या करता है, बेस्ट क्यू वैल्यू जहाँ पर होगी, मैक्सिमम क्यू वैल्यू जिस एक्शन के करस्पॉन्डिंग होगी, वो एक्शन परफॉर्म करता है नेक्स्ट स्टेट पे। तो कौन सी करंट पॉलिसी चल रही है उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट पे एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। जबकि सारसा में क्या होता है, अपडेट क्यू वैल्यू स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिंग सम पॉलिसी। जबकि सारसा में क्या होता है, जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग करेंटली एजेंट वर्क कर रहा है उसी के एक्सपीरियंस को गेन करके वो क्यू वैल्यूज को अपडेट करता है क्यू टेबल में, यानी कि यहाँ पर कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं ली जाती है। यहाँ पर जो करेंट पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग एजेंट एक्शंस परफॉर्म करता है और क्यू वैल्यूज को अपडेट करता है क्यू टेबल में। क्यू लर्निंग यूजेज द मैक्स ऑपरेशन वेन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर रिवॉर्ड। तो क्यू लर्निंग में फ्यूचर रिवॉर्ड को अर्न करने में, एस्टिमेट करने में, कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम ऑपरेशन का यूज़ होता है, जबकि सारसा में मैक्स ऑपरेशन का यूज़ नहीं होता है मैक्सिमम रिवॉर्ड को एस्टिमेट करने के लिए। तो सारसा नॉट यूजेज द मैक्स ऑपरेशन वेन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर रिवॉर्ड। क्यू लर्निंग में क्या होता है, इट इज़ बींग ऑप्टिमिस्टिक, इट ऑलवेज कंसिडर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर वैल्यू। क्यू लर्निंग का एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है जिसमें एजेंट जो है हमेशा बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर वैल्यू को कंसीडर करता है। तो क्यू लर्निंग में क्या होता है, एजेंट हमेशा बेस्ट वैल्यूज़ को लेके एक्शन परफॉर्म करता है विदाउट फ्यूचर की सोचे हुए कि इस एक्शन को परफॉर्म करने से हो सकता है कि गेम जो है वो ऐसी स्टेट पे पहुंच जाए जहां पर वो आउट हो जाए।
क्योंकि वो करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो बेस्ट वैल्यूज को कंसीडर करते हुए कि मुझे मैक्सिमम फ्यूचर रिवॉर्ड मिल रहा है एक्शन को परफॉर्म करने से, इसीलिए वो ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें रिस्क ज़्यादा होती है, एजेंट के गेम आउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि सहरसा में क्या होता है, इट इज़ नॉट बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इट डज नॉट ऑलवेज कंसीडर द बेस्ट फ्यूचर वैल्यूज। तो यहाँ पर ये इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है सहरसा एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि बेस्ट फ्यूचर वैल्यू को नहीं कंसीडर करके करंट सिचुएशन या करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एजेंट एक्शन परफॉर्म करता है, चाहे उसका रिवॉर्ड उसे कम मिल रहा हो बट वो लो रिस्क में रहता है, गेम के आउट होने के चांसेस कम होते हैं। तो सहरसा जो है इज़ नॉट बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इट डज नॉट ऑलवेज कंसीडर द बेस्ट फ्यूचर वैल्यूज, इंस्टेड इट कंसीडर्स एन आउटकम बेस्ड ऑन द करेंट पॉलिसी। तो वो करेंट पॉलिसी के बेसिस पे ही फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है, चाहे उसको उससे क्यू लर्निंग के कंपेरिजन में जो फ्यूचर रिवॉर्ड मिल रहा होगा वो कम मिले, बट वो लो रिस्क में रहता है। इन क्यू लर्निंग 80+1 दैट मीन्स एक्शन टू नेक्स्ट स्टेट इज चूजन विच हैज़ मैक्सिमम वैल्यू इन क्यू टेबल। इनिशियली एजेंट एसटी स्टेट पे होता है, वहाँ पर वो कोई रैंडम करेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है जिससे उसे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। फिर वो स्टेट ST+1 पे आ जाता है और यहाँ पर वो 80+1 एक्शन परफॉर्म करता है, किस बेसिस पे, जहाँ पर उसे मैक्सिमम क्यू वैल्यू मिल रही होगी क्यू टेबल से। सहरसा में क्या होता है, 80+1 इज चूजन इन द सेम वे दैट 80 वॉज चूजन। तो सहरसा में क्या होता है, जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 80 को सिलेक्ट किया गया है, उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 80+1 को परफॉर्म किया जाता है जिससे उसे मैक्सिमम फ्यूचर रिवॉर्ड मिल सके। क्यू लर्निंग इज कॉल्ड ऑफ पॉलिसी बिकॉज द पॉलिसी बीइंग लर्न कैन बी डिफरेंट देन द पॉलिसी बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर ये ऑफ पॉलिसी क्यों होता है क्यू लर्निंग में, क्योंकि जो पॉलिसी लर्न की जा रही है और जो पॉलिसी एग्जीक्यूट की जा रही है नेक्स्ट स्टेट पे, वो दोनों ही डिफरेंट होती हैं। दैट मीन्स बिहेवियर पॉलिसी एंड टारगेट पॉलिसी आर डिफरेंट। जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग एसटी पे 80 एक्शन परफॉर्म किया गया है वो होती है करेंट पॉलिसी या बिहेवियर पॉलिसी, और ST+1 पे जो पॉलिसी अप्लाई की जा रही है 80+1 को यूज़ करके वो होती है टारगेट पॉलिसी। तो यहाँ पर बिहेवियर पॉलिसी और टारगेट पॉलिसी डिफरेंट होती है, ठीक है। टारगेट पॉलिसी इज ऑलवेज ए ग्रीडी पॉलिसी, 80+1 वो वाला एक्शन होता है जहाँ पर क्यू वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो ये ग्रीडी पॉलिसी होती है टारगेट पे, जबकि करेंट पॉलिसी या बिहेवियर पॉलिसी करेंट सिचुएशन को देख के एक्शन परफॉर्म किया जाता है। सहरसा इज कॉल्ड ऑन पॉलिसी बिकॉज द बिहेवियर पॉलिसी एंड टारगेट पॉलिसी आर सेम। तो यहाँ पर जो एसटी पर 80 एक्शन परफॉर्म किया गया है जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ST+1 पे 80+1 एक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो बिहेवियर पॉलिसी और टारगेट पॉलिसी यहाँ पर सेम होती है। इन क्यू लर्निंग वी टेक एक्शन यूजिंग एन एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी, वाइल अपडेटिंग द क्यू वैल्यू वी सिंपली पिक अप द मैक्सिमम एक्शन। तो यहाँ पर क्यू लर्निंग में क्या होता है कि जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है एसटी पे, वो एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी होती है, मतलब करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस एक्शन को परफॉर्म करने से मैक्सिमम फ्यूचर रिवॉर्ड मिलेगा उसको एजेंट परफॉर्म करता है, किसी क्यू टेबल को देख के नहीं परफॉर्म करता है। जबकि जब वो क्यू वैल्यू अपडेट करता है ST,80 की, तो उस टाइम वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेट पे मैक्सिमम एक्शन वाली क्यू वैल्यू को सिलेक्ट करता है, या कह सकते हो कि उस एक्शन को सिलेक्ट करता है जिस पे उससे क्यू टेबल में मैक्सिमम क्यू वैल्यू मिल रही हो। क्या होता है, इन सहरसा वी टेक एक्शन यूजिंग द एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी एंड ऑल्सो वाइल अपडेटिंग द क्यू वैल्यू वी पिक अप द एक्शन यूजिंग द एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी। हाँ, सहरसा में जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है करेंट स्टेट एसटी पे, वो भी एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, मतलब वो एक्शन एजेंट परफॉर्म करता है जिस पे उसे मैक्सिमम फ्यूचर रिवॉर्ड मिल रहा हो, और जब क्यू ST,80 की वैल्यू वो अपडेट करता है तब भी वो नेक्स्ट स्टेट ST+1 पे जो एक्शन परफॉर्म करता है वो भी एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। जबकि क्यू लर्निंग में एसटी पे जो एक्शन परफॉर्म होता है वो एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है,
और जो ST+1 पे एक्शन परफॉर्म होता है वो क्यू टेबल से क्यू वैल्यू जिस यहाँ पर मैक्सिमम हो उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है।